आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं हमारा हॉस्टल का संडे रूटीन। मैं जा रही हूँ सलून। टुकड़े 1, 2 एंड 3। Hey everyone, welcome to my channel. It's me, Jali Yadav, and you are watching my new vlog. Ignore my oily चंपू hairs. क्योंकि कल सैटरडे था तो मैंने चंपी की थी एंड आज संडे है तो हेयर वॉश डे। ऑल्सो आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं हमारा हॉस्टल का संडे रूटीन। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी मैं सफाई करूंगी रूम की पहले, उसके बाद कपड़े निकालूंगी जो धोने वाले कपड़े हैं। मैंने फ़ोन को अपनी अलमारी में शिफ्ट कर दिया है, स्टैंड कर दिया है, और अभी ना उधर में जो भी काम करूंगी सारा सब दिखाई देगा। ठीक है, एडजस्ट कर लेना थोड़ा, ले आऊंगी ट्राइपॉड यार मैं थोड़े दिन में। शायद एक दो कपड़े ही है एंड हेयर वॉश करने। हाय अगेन। तो देखो बन गई हूँ ना मैं सुंदर सुंदर नहा के, बाल वॉश करके, एंड अभी ना मैं अपनी ये नेल पेंट चेंज करूंगी, बहुत गंदी हो रखी है और ये आधी उतर भी गई है बाल धोने की वजह से। और मैं अभी धूप पे बैठ के अपने बाल सुखाऊंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी बीमार हूँ, अगर मैं रूम में बैठूंगी तो और बीमार हो जाऊंगी। तो अभी हम धूप पे बैठेंगे थोड़ी देर, अपनी नेल पेंट चेंज करेंगे और तब तक लंच टाइम हो जाएगा और लंच में आज हमें मिलेंगी पूरियां। मैं आ गई हूँ छत पे और अभी मैंने कपड़े भी सुखा दिए। पता है क्या, यहाँ पे ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है कपड़ों का। अगर थोड़ी देर कपड़े सुखा के चेक करने ना हो ना थोड़ी थोड़ी देर में, तो कपड़े ही गायब हो जाते हैं। फिर रोते रहो कपड़े कहाँ गए, भाई मेरे कपड़े चोरी हो गए, किसने लिए हैं, दे दो, कोई नहीं देता है बाद में। फिर एक बारी मेरे भी हो गए थे, बट वो मिल गए थे मुझे वापस से, चोरी नहीं हुए थे, वो किसी ने गलती से उतार लिए थे अपनी फ्रेंड के समझ के, तो फिर बाद में उन्होंने मुझे वापस लौटा दी थी जब मैंने ग्रुप में मैसेज किया। तो ध्यान रखना पड़ता है हर चीज़ का हॉस्टल में। अभी मैं थोड़ी देर इधर बैठूंगी, अपने बाल सुखाऊंगी, तब तक लंच टाइम हो जाएगा, फिर हम लंच करेंगे, पूरियाँ मिलेंगी। आपको एक हैक बताऊं, अगर आपके पास कॉटन नहीं है ना, मतलब कि नेल पेंट रिमूवर है लेकिन कॉटन नहीं है नेल पेंट रिमूव करने के लिए, तो अपना ये जो कॉटन वाली ईयरबड्स आती है ना, इनका भी यूज़ कर सकते हो। बताओ कैसे, एक बड से ना आप दो नेल साफ़ हो जाएंगे। अभी मैंने इस वाली से, ये जो ग्रीन ग्रीन हो रखा है, ये वाला जो नेल है साफ़ किया है। देखो ऐसे क्या करना है, अपनी बॉटल के साथ में लगाओ इसको एंड इस पे ये आ जाएगा जो रिमूव है, एंड उसके बाद अपने फिंगर पे ऐसे नॉर्मली कॉटन को मूव करते जाओ और ये साफ हो जाएगा। अभी देखना, ये देखो बिल्कुल साफ हो गया और ये पूरा ग्रीन ग्रीन इस पे आ गया, है ना, नाइस। इट्स 1 o'clock, दोपहर का 1 बज रहा है और हम जा रहे हैं नीचे मैस में पूरियां खाने। पूरियां ना मुझे बहुत पसंद है और ना मैस में फुल ऐसा भीड़ लगती है पूरियां खाने के लिए संडे को। लंच में हमें मिला है बूंदी का रायता, पूरियां, छोले की सब्जी और अचार। मैंने 4 ही पूरियां ली हैं और ये रायता है ना कभी कभी बहुत अच्छा होता है और कभी कभी तो बिल्कुल पानी होता है। अभी हम होंगे रेडी बाहर जाने के लिए। पूरी आज मैंने 4 ही खाई, वैसे ना मैं 6 पूरियाँ खाती हूँ अभी, क्योंकि डॉक्टर ने मेरे को मना किया है तला हुआ या फिर तेल का खाना खाने से, तो मैंने 4 ही पूरियाँ खाई। एक दिन ना मैंने सबसे ज़्यादा खाई थी एक टाइम में 8 पूरियों का रिकॉर्ड है मेरा, बस किसी का उससे ज़्यादा रिकॉर्ड है तो बताना, लड़कों का तो होगा ही, लड़कियाँ बताना, ठीक है, लड़के तो बहुत ज़्यादा खा जाते होंगे। तो अभी मैं रेडी हो जाती हूँ बाहर जाने के लिए, क्योंकि यार मैं पूरा दिन रूम में रह नहीं सकती, एक बार तो मेरे को बाहर जाना ही होता है घूमने, कुछ काम नहीं होता फिर भी जाना होता है, और क्लास लगानी होती है तब तो जाना ही होता है। तभी मैं रेडी जाती हूँ, रेडी होके मिलती हूँ आपको।
मैं जा रही हूँ सलून, और मैं ना अपनी ज़िंदगी में दूसरी बार सलून जा रही हूँ। पहली बार ही मैंने लास्ट ईयर ही अपने हेयर कट कराए थे, मैं तब गई थी। मैं आप लोगों को अपने हेयर दिखाती हूँ अभी, क्योंकि ना मेरे हेयर थोड़े ना डैमेज हो रखे हैं, नीचे से स्प्लिट एंड्स हो रखे हैं, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा ट्रिम व्रिम करा लूँ इनको। और वैसे भी हमारे घर में शादी है, तो अच्छा दिखने का मौका मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। सो अभी मेरे हेयर्स की लेंथ इतनी है, और मैं इनको ट्रिम कराऊंगी थोड़ा थोड़ा, शायद इतना या इतना, मुझे नहीं पता, मेरे पास रेफरेंस नहीं है। मतलब मेरे माइंड में थोड़ा बहुत है कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे कराना है, बट अभी मैं वहाँ पे जाके देखूंगी। मेरी मम्मी ये व्लॉग देखेगी ना तो शायद मुझे डांट पड़ेगी, पिटाई भी हो सकती है, बट लाइफ में चेंजेस करते रहना चाहिए, मुझे पसंद है। मुझे ना वैसे अपने बालों के साथ छेड़खानी करना पसंद नहीं है, मतलब कलर वगैरह कुछ और, लेकिन कट तो करा ही सकते हैं हेयर कट। यहाँ पे जाके सबसे पहले इन्होंने मेरा हेयर वॉश किया। मैं हेयर वॉश करके गई थी, लेकिन इन लोगों ने बोला कि चार्जेस सेम ही रहेंगे, आप करवाओ या मत करवाओ, तो फिर मैंने हेयर वॉश करवा ही लिया। और फिर इन्होंने मुझे ये लाल कपड़े में बाबा जी बना के बैठा दिया, और आगे की क्लिप मैंने रिकॉर्ड नहीं की। एंड हियर आई एम बैक। मैंने ना ये बैंग्स कटवाई है। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, पहले भी मुझे अच्छे लग रहे थे, पता है मैं जब कटवाने जा रही थी ना बाल, तो मुझे मेरे बाल बड़े अच्छे लग रहे थे, अभी भी अच्छे लग रहे हैं। लेकिन मेरा ना बहुत दिन से मन था ये ऐसे ऐसे वाले बैंग्स कटवाने का, और फाइनली मैंने करवा लिया। अब डांट पड़ेगी तो पड़ेगी, बाकी मुझे मेरे बाल काफ़ी प्रिटी लग रहे हैं। मैं पूरा दिखाती हूँ, रुको, अच्छे से आगे करके दोनों तरफ से, वेट, अभी देखो, अच्छे लग रहे हैं ना। मुझे ना बहुत टाइम से ऐसे ऐसे वाले बाल कटवाने, मैंने रेफरेंस में ये वाली पिक्चर दी थी, तो फिर उन्होंने ये कट करके दिए। पहले तो उन्होंने सेट भी करके दिए थे, लेकिन अभी ये हो गया है ऐसे उलझे सुलझे, काफ़ी सही लग रहे हैं, नाइस। ये डिनर हमको मिला है, एक जलेबी। एक जलेबी के लिए हम संडे का वेट करते हैं। मैस में बहुत कच पच की आवाज़ होती है, इसलिए मैस में ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। आज फिर से ओ मेरे पास 3 पनीर के टुकड़े आए आज। तेरे पास अच्छे से दिखाती हूँ, रुको। देखो मेरे पास ये 3 पनीर के टुकड़े, 1, 2 एंड 3, बाकी पानी है, मटर भी नहीं मिला मुझे, है एक मटर है, और ये मेरे फेवरेट वाले चावल, ये तो थोड़े अच्छे बनते हैं, अच्छी सी सब्जी डाल के अंदर। अभी मैं खा लेती हूँ, बाद में दिखाऊंगी। मेरे पास 3 पनीर के टुकड़े आए हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, पूरी सब्जी खा रही है, बहुत नमक है सब्जी में। रीता मुझे कह रही है पनीर धोके खा ले। पनीर को निकाल के चावल में डाल लेती हूँ, है ना, लेकिन 3 ही थी। ओ भाई, तो ऐसे ऐसे अपनी रोटी को गीला कर लेती हूँ बस सब्जी में। जलेबी पता है ये जानबूझ के छोटी वाली जलेबी लाते हैं, ये ना थोड़ी बड़ी ले आए भाई, और ऊपर से एक ही देते हैं, गलती से 2 का बोल दो इनको, ऐसे कहेंगे डाइट लिखवाओ दूसरी। 2 जलेबी तो देनी चाहिए भाई। मैंने टोपा वोपा इसलिए पहन रखा है क्योंकि शाम को ठंड होती है, तो मैं बीमार नहीं होना चाहती दोबारा से। और अभी खारी पनीर की सब्जी और अपनी नींद वाली दवाइयाँ, जिन्हें खाकर मुझे नींद आती है, इसके बाद मैं व्लॉग नहीं बनाने वाली आगे। सो आज का व्लॉग इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब याद से कर देना, बाय।